गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट आई एम योर EBS टीचर एंड एज वेल एज कंप्यूटर टीचर ऑल्सो. आई विल टीच यू कंप्यूटर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू. सो क्लास, दिस इज योर फर्स्ट कंप्यूटर क्लास, राइट? लेट्स स्टार्ट देन. चैप्टर फर्स्ट, कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन. ओके, वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. ओके, you have used it earlier in the class 1, right? Now you are in class 2, so let's start studying. Can you guess that? देखो, यहाँ एक पिक्चर है. ओके, यहाँ एक पिक्चर है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ना है, बट अभी मैं आपके लिए यहाँ पढ़ रही हूँ. Can you guess the name of this machine? It works very fast, it never gets tired, it works on electricity, we enjoy watching on it. She says to him that, do you know what is the name of this machine? It never gets tired, it works on electricity, we enjoy watching on movies in it. Okay, now he says it is the smart machine computer, means he knows that what she is talking about. She is talking about this computer. Okay, he said that ye computer hai, ye smart machine hai, ye computer hai. Now she says, great, let's learn more about computer. She says that, चलो तुम्हें पता ही है तो चलो हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं, है ना? लोग कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे. Now, computer, a smart machine. Computer is an electronic machine. It helps to make our work easy. Means, computer कैसा होता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देता है, ईजी बना देता है. इट हेल्प्स अस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, सम ऑफ देम आर. ये हमारे काम को बहुत ही ईजी कर देता है, ठीक है? हियर इज सम पॉइंट्स. इट वर्क्स वेरी फास्ट, इट इज़ यूज एट मेनी प्लेसेस, इट नेवर गेट्स टायर्ड, इट डज नॉट गेट बोर्ड डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन. It used to solve some play games, listen to music, watch movies, draw pictures, etc. Okay, here are the points which you have to learn and write also in your copy. Okay, so listen this video very carefully. It works very fast. बहुत ही जल्दी काम करता है, पहला point. दूसरा point, it is used at many places. ये बहुत ही हर जगह पे इसे use किया जाता है. For example, school में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, ठीक है? इट नेवर गेट्स टायर्ड, ये कभी भी थकता नहीं है. टायर्ड मीन्स थकना, कभी भी थकता नहीं है. नेवर मीन्स नेवर, कभी नहीं. इट डज नॉट गेट बोर्ड डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, मीन्स ये कभी भी नहीं थकता है एक काम को करने से. जैसे आप लोग को बोला जाए एक ही काम को आप करो, करते रहो, तो आप कभी ना कभी तो थक ही जाएंगे, राइट? जैसे आपको बोला जाता है, आपके पेरेंट्स बोलते ही होंगे कि पढ़ाई करो, और आप लोग कभी ना कभी तो टायर्ड होते ही होंगे, बट ये टायर्ड नहीं होता है. इट इज़ यूज टू सॉल्व सम्स, और ये क्या करता है? सॉल्व करता है सम्स, यानी कोई अगर मैथ्स का प्रॉब्लम है, मैथ्स में कुछ अगर आप बना रहे हो तो वो उसको सॉल्व करता है. गेम भी खेलते हो उसमें, प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक भी इसमें सुनते ही हो, वॉच मूवीज, मूवी देखते हो, ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर भी ड्रॉ करते ही होगे आप लोग, आई गेस सो. ओके, सो इट इज़ क्लियर नाउ. सो नाउ कंप्यूटर एंड ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर, ह्यूमन मीन्स क्या होता है, बताइए आप लोग ज़रा. आप लोग क्या है? हम लोग क्या? ह्यूमन्स है, ठीक है? इंसान, ह्यूमन का मतलब होता है इंसान. कंप्यूटर, अ स्मार्ट मशीन इज मेड बाय ह्यूमन्स. इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मैन, स्टिल इट कैन डू मेनी डिफरेंट. मीन्स कंप्यूटर को हम लोगों इंसान ने ही बनाया है, ठीक है? कंप्यूटर खुद नहीं बन गया है, कंप्यूटर को इंसान ने ही बनाया है. इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, ये खुद से काम नहीं करता है, इसको हम लोग कमांड देते हैं तो ये काम करता है, ठीक है?
स्टिल इट कैन डू मेनी डिफरेंट, और हम लोगों ने इसे बनाया है लेकिन फिर भी क्या है कि ये स्टिल इट कैन डू मेनी डिफरेंट, फिर भी ये बहुत तरीके से काम करता है, ठीक है. स्टिल इट कैन डू मेनी डिफरेंट थिंग्स विथ गुड स्प्रेड एंड एक्यूरेसी, ठीक है. इसको हम लोगों ने बनाया है बट स्टिल ये हमें क्या एक्यूरेसी देता है? एक्यूरेसी किस चीज़ में देता है? किसी भी काम अगर आप इसमें करते हो तो वो आपको एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट, सही सा हिसाब देता है. और इसका काम कैसा होता है? स्पीड होता है. अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है और ह्यूमन क्या करता है, उसका यही टेबल बना हुआ है. इस टेबल को आपको कॉपी में लिखना है और इसका पॉइंट्स लिखना है और इसको याद करना है. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, बहुत जल्दी काम करता है. स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी, बहुत ही ज़्यादा मेमोरी अपने अंदर ये रखता है, स्टोर करके रखता है. डजंट गेट बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, एज पर आई टोल्ड यू कि ये एक ही काम को करने में बोरियत इसको नहीं होता है, इसको बोरिंग नहीं फील होता है. कैनॉट थिंक एंड टेक डिसीजंस, ये खुद सोच नहीं सकता और खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है. इसको कमांड देना होगा तब जाके ये काम देगा, रिजल्ट देगा हमें. डजंट हैव फीलिंग, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होता है. फीलिंग्स जैसे आपके अंदर फीलिंग्स होता है जब आप खुश होते हो, ठीक है, जब आप सैड होते हो, तो ये सब क्या हो गया? फीलिंग्स हो गया, जो कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है. नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, और इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइन, लाइट. ओके, एज 100% एक्यूरेट मशीन, और ये 100% रिजल्ट परफेक्ट यानी कि करेक्ट हमें देता है. क्लियर कंप्यूटर? नाउ कम टू द ह्यूमन, ह्यूमन क्या करता है? डज नॉट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर, ठीक है. उतना ज़्यादा फास्ट ह्यूमन काम नहीं करता जितना कंप्यूटर करता है. कैन फॉरगेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम लोग इंफॉर्मेशन कभी कभी भूल सकते हैं और भूलते ही हैं, बट कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता, वो सारे मेमोरीज को स्टोर करके अपने अंदर रखता है. गेट्स बोर्ड इफ ही गेट्स द सेम वर्क मेनी टाइम्स, एज पर आई टोल्ड यू कि ये हम ह्यूमन बींग्स क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं एक ही काम को करके, बट ये कंप्यूटर नहीं होता है. कैन थिंक एंड टेक डिसीजंस मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं. हैज़ फीलिंग्स, हमारे अंदर फीलिंग्स होता है. ओके, नीड्स फूड टू वर्क, हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए. जैसे कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए. फूड मीन्स खाना. कैन मेक मिस्टेक्स, हम लोग से गलती हो सकता है काम करते वक्त, है ना, बट कंप्यूटर से नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन टिल हियर. आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, जो जो टास्क मैंने दिया है आपको वो आपको करना है, अपने कॉपी में लिखना है, वही सबमिट करना है. ओके, चलो, टेक केयर, थैंक यू.